यहाँ पे गाइज ये जो पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है ये अपने हिंदू भाई का पेट्रोल पंप। इंडियन कोई चीज़ है अपने पास? इंडियन आप कौन सी है भाई? इंडियन चीज़ है ये सेल का? अच्छा ये इंडियन है, निकालो ये दीपक है। अच्छा ये इंडियन गाइज, इसको मतलब इंडियन दिया और इंडियन जी हाँ इंडियन। तो गाइज ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। और ये कंगन भी है, ये इंडियन चीज़ें मारती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं जमशाबाद सिटी, और अभी तो मैं गांव से निकला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि गांव में यहां पे भाई बारिश वगैरह नहीं हुई है, हमारे वहां तो बारिश बहुत ज़्यादा ही हुई थी। बहरहाल अभी इस ब्लॉग का स्टार्ट लेते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं द सिटी ऑफ हिंदूज़। तो यहाँ पे KGM सिटी भी कहा जाता है, गुलाम मोहम्मद और जमशाबाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों की शॉप्स हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम करते हैं भाई आज के न्यू ब्लॉग में, और आपको आज हम दिखाने वाले हैं सिटी ऑफ जमशाबाद। एक अंग्रेज़ का नाम है, उसके नाम पर यहाँ पर शहर है, लेकिन अभी उसका करंट नाम चेंज करके कोट गुलाम मोहम्मद कर दिया है। तो उसका मेन एंट्री गेट हम देखने वाले हैं, ये सामने जो एंट्री गेट नज़र आ रहा है, बाप कोट गुलाम मोहम्मद भुरुगड़ी। तो अभी पहले ये जमशाबाद के नाम से था, अभी इसको चेंज करके कोट गुलाम मोहम्मद भुरुगड़ी कर दिया है। तो अभी हम इंटर हो चुके हैं, और वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपके साथ हम आज अपने हिंदुओं की शॉप्स दिखाने वाले हैं। तकरीबन यहाँ पे 90% हिंदूज रहते हैं, और उनकी शॉप से उनकी बिजनेस है, वही मजदूरी करते हैं, सारा कुछ उनका काम है, और आजू बाजू रहने वाले तकरीबन हिंदू भाई है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को इंजॉय करिएगा। अभी हम पहुँच चुके हैं आटा चक्की पर, ये अपने हिंदू भाई के गोविंद राम जो ये मशीन ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ के जो भाई लोग काम कर रहे हैं। राम जी की गोविंद भाई कैसे हो? ठीक हो? दो खबर आपका काम काज कैसा चल रहा है? अच्छा यहाँ पे क्या आप गांव में रह रहे हो, अपना कारोबार वगैरह उस हिसाब से अपना गांव कैसे चल रहा है काम काज? क्या बताया आपने? मैंने बोला यहाँ पे आप गांव में मशीन लगाई हुई है जी, सही चल रहा है बिजनेस आपका? कब खोला आपने, कितना टाइम हो गया? ये मेरे तकरीबन 2 से 3 साल हो रहे हैं। 2 से 3 साल सही चल रहा है। अच्छा अभी गंदम का रेट क्या चल रहा है? अभी गंदम का रेट यहाँ पे तकरीबन 3100 तक चल रहा है। अच्छा, और आटा क्या किलो है? आटा 90 रुपये किलो है। 90 रुपये जी। चलो जी गुड डे। ये है गोविंद राम की आटा चक्की, और यहाँ पे अभी ये काम कर रहे हैं बैठे हुए। हाँ ये भाई सेब बेच रहे हैं, क्या किलो है भाई? 200 रुपये किलो है। और यहाँ पे सब भाई हलचल से शहर में एंटर होते हैं, हलचल तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी में बड़ी शॉप हिंदू भाई की है? हाँ किस चीज़ की शॉप? शॉप तो गाइस यहाँ पे तकरीबन 90% हिंदू काम करते हैं। ये देखो डॉक्टर चेतन कुमार, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये क्लिनिक है अपने हिंदू भाई की, और आगे भी बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे फोटो स्टेट भी लगी हुई है। यहाँ पे समोसा शॉप, बिरयानी, ये वो सब हिंदू भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, और मार्केट भी है हिंदुओं की ना यहाँ पे, इस तरफ हिंदुओं की मार्केट है जहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह मिलती है। आगे चले चलते हैं, और वीडियो में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई। कोस्टर अड्डा कहाँ गया, पीछे रह गया क्या? आगे ये कौन सा न्यू वाइट जनरल स्टोर, ये भी अपनी हिंदू भाई की शॉप है। ये है कोस्टर अड्डा भाई, ये है कोस्टर अड्डा, यहाँ से कोस्टर जाती है मीरपुखा सिटी के लिए। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं KGM सिटी, और ये है KGM सिटी जो आप देखते आ रहे हैं। तो अभी यहाँ हमारे दोस्त रहते हैं, वो काम काज करते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं भाई यहाँ पे जो ये सेल आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, मसाले वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनसे मालूम करते हैं कि भाई उनके रेट क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे और आप लोगों को ये KGM दिखाएंगे, और
मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है क्योंकि मैंने पहले कभी यहाँ का ब्लॉग बनाया नहीं है, तो ये अपना फर्स्ट एंड तक जरूर देखिएगा और इनके रेट्स वगैरह मालूम करते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में। तो गाइस अभी अभी शॉप पे आए, साफ़ सफाई वगैरह करते हैं। तो ये अपने ये भी शॉप जो आपको नज़र आ रही है कपड़ों की, अपने हिंदू भाई की है, और सामने जो शॉप है वो भी चाचू के बेटे की। चलो उनसे भी मिलते हैं, बाकी जो जो अपन से बात करेगा उनसे हम पूछेंगे क्या रेट चल रहे क्या नहीं। और ये फूलों की दुकान भी अपने हिंदू भाई की है। यहाँ पे ये ओनियन क्या किलो है पूजा भाई ये क्या किलो है? ये 80 किलो है। तो ये ओनियन यहाँ पे 80 रुपये किलो है, ये देखो छोटी से छोटी बिल्कुल। अभी पूजा राम से पूछते हैं भाई मसाले के बारे में कि मसाले का क्या रेट है। वो 150 रुपये बसर जा रही है भाई, ये 80 रुपये किलो है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। चले जी अभी मसाले का पूछते हैं पूजा भाई, ये क्या किलो है? धनिया है भाई, धनिया है, कुटा हुआ धनिया। ये धनिया कटर है, इसमें साबुत भी है। साबुत भी? ये धनिया है। ये क्या किलो पड़ता है अपन को? ये 600 रुपये किलो है। हाँ, और ये 180 रुपये पाव। ये 600 ये पाव? ये 180 रुपये पाव है, ये 600 रुपये किलो, 150 रुपये पाव। अच्छा जी, ये मिर्ची मिर्ची ये पीसी हुई मिर्ची है, ये 150 रुपये पाव है, ये कटर है, ये कटर। ये घर पे बना के ले आए हो आज? रोजाना कितना सेल आउट कर लेते हो, मतलब किलो दो किलो बिक जाती है? बिल्कुल, इतने 4-5 हज़ार की सेल हो जाती है। अच्छा चल रहे हैं जी, गुड। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और ये जीरा है, ये क्या किलो है? 150 रुपये कटर है। ये दिखाई आपको, ये सौंफ है। सौंफ क्या पाव है? ये सही है, 200 रुपये पाव है, एक नंबर। और ये क्या है? ये मेथी है, मेथी दाना है। मेथी दाना क्या पाव? जी हाँ, 100 रुपये पाव है। 100 रुपये पाव। और ये जीरा है, इंडियन जीरा क्या पाव है? ये सही 1000 रुपये किलो है। 1000 रुपये किलो। और वो क्या, ये घास जैसा मुझे लग रहा है कुछ? ये और ये मेथी है। मेथी साबुत हल्दी है। मेथी पाव के हिसाब से बेचते हो या? जी पाव बिल्कुल 80 रुपये पाव है। 80 रुपये का। और ये चाट मसाला है, जो अपना इसमें लगाते हैं, फ्रूट में लगाते हैं चाट मसाला। और ये दालचीनी है, दालचीनी चावल वगैरह में लगती है। कमल पता क्या वो साथ डालते होंगे ना मसाले? मिक्स मसाला, सालन का मिक्स मसाला है, गरम मसाला। क्या पाव है ये? सही 250 रुपये पाव है। 250 रुपये, 250 रुपये पाव। और कितना टाइम हो गया पूजा भाई आपको काम करते? मेरे को ये 13 साल हो गए। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है? 2015 से लगाऊँ। 2015 से ये काम कर रहे हैं। चले जी भाई गुड्डे। और ये अपने हिंदू भाई पूजा राम, ये हम छोटे थे बकरियां भैंसे हम साथ चराते थे, तो आज मैं यहाँ से गुजर रहा था भाई से, भाई साहब अपने सब्सक्राइबर भी ये रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो सोचा आज इनसे मिलते हुए चले, इनके बिजनेस के बारे में भी देखते हुए चले कि भाई क्या काम काज कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी उसी बहाने शेयर कर लिया। ये क्या है? ये सही काली मिर्ची है। ये पाव के हिसाब से लेते हैं भाई? जी बिल्कुल। क्या पाव? पाव भी ले जाते हैं, कभी छटांग लेते हैं। अच्छा जी, ये 2500 रुपये किलो है भाई। 2500 रुपये किलो। चले गुड भाई, ये अपने काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे मसालों के क्या रेट है और क्या पाव और क्या केजी है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरी तरफ, जो मतलब ड्रिंक्स वगैरह होती है, ज्वेलरीज वगैरह होती है, उन चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं कि उनकी रेट्स वगैरह क्या है। तो अभी हम चलते हैं दूसरी शॉप पर। और ये कपड़ों की शॉप भी अपने हिंदू भाई की है। और जय श्री राम नागजी भाई, ये ठीक हो कैरियर से? कहाँ गए लक्ष्मण? चले जी, इनकी शॉप ये छोटी सी है। और ये भाई साहब क्या हाल है? जय माता दी। तो भाई साहब ये छोटी सी शॉप लगा के बैठे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा भी आर्ट इनको आता, कलरिंग वगैरह करना आता है, लेकिन यहाँ पे अभी छुट्टी पे आए हैं, तो मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा उन लोगों से पूछता हुआ चलूँ कि भाई यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनके रेट्स क्या है, वो मालूम कर लेते हैं। ये नागजी भाई की शॉप है, उनके बेटे लक्ष्मण हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो अभी राखी का सीज़न आने वाला है, तो राखी की यहाँ पे प्राइस क्या है? तो यहाँ पे और भी बहुत सारी किस्म की, और ये न्यू डिज़ाइन आया है राखी का, और दूसरे डिज़ाइन है क्या लक्ष्मण भाई? अच्छा, ये कितने की, एक दाना कितने का है? ये 50 रुपये का है, ये हाथ की मेहनत का है। अच्छा, ये हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा, माता लक्ष्मी का नाम लिखा हुआ है इसमें गाइस, थोड़ा सा गौर से। ये मोती हाथ से बना है, ये हाथ से बना हुआ है, तो ये 50 रुपये का एक दाना है। अच्छा, और दूसरा ये पड़े हुए हैं, ये 10 रुपये का है। 10 रुपये का। और ये हनुमान जी की पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लासेस का क्या रेट है? ग्लासेस का रेट बताना। ग्लासेस का रेट मुख्तलिफ है। हाँ, जैसे कोई भी एक दो बताओ। जैसे ये 150 रुपये का, ये 200 रुपये का। हाँ, लेकिन मार्केट से अपने पास डिस्काउंट से मिलेगा, 10% डिस्काउंट है। अच्छा, वो होलसेल के हिसाब से होगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, चीज़ों का प्राइस बताओ। ये झुमके कितने के हैं? सर ये 200 रुपये के। और ये
ये 150 रुपये का। और ये वाले? ये 70 रुपये का। ये चैन ये 100 रुपये की है, बड़े वाले 150 रुपये की। अच्छा अच्छा। और गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें और भी बहुत है, ये देखिए रिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, और अंदर भी ये श्री रामचंद्र जी का फोटो और कृष्ण भगवान का। छोटी सी शॉप बनाई हुई है लेकिन इसमें बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। कितना टाइम हो गया लक्ष्मण ये काम करते हुए? ये तो सर मेरे दादी जी से काम चलता रहा, लेकिन मैं तो मेरे को लगभग 8 साल हो गए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, और वैसे मेरे वालिद साहब भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। याद का कड़ा हम जिसे बोलते हैं, ये इंडियन है। और यहाँ से आप दर्शा सकते हो या फिर अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये वाकई इंडियन है। और यहाँ पर मास्क वगैरह लगता है, भाई सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। तो ये राखियों की वैरायटीज़ यहाँ पे, ये कितने का धागा है? ये 10 रुपये का है। ये 10 रुपये का धागा है। ये वैरायटीज़ हैं और भी बहुत हैं। सामने पड़ी है रेल करल वाली बरार। अभी यहाँ से चलते हैं, लक्ष्मण भाई से हमने मिल लिया, थोड़ी देर बातचीत कर ली और आप लोगों के साथ भी ये शेयर करें। उस तरफ चलते हैं और यहाँ पे भाई साहब ये खजूरें वगैरह सेल कर रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई जय श्री राम। क्या पंखियाँ बहुत ज़्यादा है यार, भाई साहब ये सेल आउट कर रहे हैं। क्या हाल है? देखो ले ली खजियाँ, ले ली ले ली। क्या किलो है खजूर? 200। और अंगूर? अंगूर 300 रुपये। गाइस अंगूर 300 रुपये किलो, खज्जी 200 रुपये। तो ये सारे के सारे जो ठीए लगे तकरीबन अपने हिंदू भाइयों के, लेकिन जो हमारे जानने वाले थे 2-3 जने उनसे हमने पूछ लिया कि भाई क्या रेट चल रहे क्या नहीं, और अभी यहाँ से मूव होते थोड़ा आगे। तो गाइस यहाँ पे ये अपने हिंदू भाई की शॉप जो आपको नजर आई, नंदू राना माली करियाना, ये अपने हिंदू भाई की शॉप के सामने। यहाँ से चलते हैं, हमने पूछ लिया भाई, अभी थोड़ा आगे निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं भाई। ठीक है भुजा भाई, राधे राधे। चले जी आगे, चले चले चले। अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे भी ये रोड सीधा जा रहा है डिग्री ये वाला, और सीधा हम जाएंगे इस तरफ। चलो पहले इस तरफ चलते हैं। सब अपने अपने काम से जा रहे हैं भैया, स्टैंड रिक्शा स्टैंड पुलिस स्टेशन सब इस तरफ। ये देखें ये रिक्शे वाले सारे खड़े हुए, कोई भी किराए भी रिक्शा करना हो यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती हैं बाहर में, और ये किराए वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी की सारी टैक्सी। और इस तरह छोटा सा पार्क भी बना हुआ और अच्छा बन गया, चलो इसमें चलते हैं। चले अपन, जाने देंगे या नहीं चलो मालूम करते हैं भाई। अभी बंद पड़ा हुआ है गाइस, यहाँ पे पार्क तो बना हुआ है लेकिन खुला हुआ नहीं है, अपन का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का। और यहाँ पे ये बड़ी गाड़ियाँ शेजोस वगैरह हैं, ये किराए पे जाती हैं, जो भी किराए पे गाड़ी मतलब करना चाहता है तो यहाँ से मिल जाएंगी। और ट्रक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक क्रेट एरिया, एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे सारी की सारी किराए वाली गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बड़ी ट्रक्स भी हैं और शेजोस भी हैं। अभी भी हम आगे जा रहे हैं दुबई का पेट्रोल पम्प है यहाँ पे कोटबुल्ला मोहम्मद में, दयाराम नाम से अपना हिंदू भाई है, उसका पेट्रोल पंप है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो गाइस अभी हम डिग्री वाले साइड पे मूव कर चुके हैं, तो इस साइड भी तकरीबन अपने हिंदू भाइयों की शॉप ज़्यादा से ज़्यादा है, और उस साइड अब फिर प्रेमी कम्युनिकेशन ये सीधा लग रहा है अपने हिंदू भाई की शॉप है। इस तरफ जो परचून की शॉप बड़ी बड़ी है तकरीबन हिंदू भाइयों की है, माली और वाणी। यहाँ पे क्या है ये देखें, यहाँ पे इस रोड पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं। ये देखो बस कौन सी पुराना मॉडल खड़ा हुआ है भाई, काफ़ी पुराना इस तरफ। तो गाइस अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम सिटी से थोड़ा बाहर आ रहे हैं डिग्री वाले रोड पे। ये रोड सीधा जाता है डिग्री, और इस तरफ भी अपने हिंदू भाइयों की शॉप से सोचा मौका मिला है आप लोगों के साथ KGM सिटी भी शेयर करते हुए चले। तो हमने पूरा का पूरा शेयर घूम लिया बाइक के ऊपर, और दूसरी साइड हमने 2-3 भाई हमारे जो दोस्त थे उनसे भी पूछ लिया कि भाई क्या चीज़ें क्या रेट चल रहे हैं। उसमें हिंदू मार्केट भी है, देखते हैं कभी टाइम मिला वो भी आपके साथ हम शेयर करते हुए चलेंगे। और गाइस ये KGM सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है, इसको चाइना बिल्डिंग कहा जाता है ना। हाँ। चाइना बिल्डिंग कहा जाता है भाई KGM में, सबसे बड़ी बिल्डिंग।
से अभी हम घूम के दूसरा साइड लेके हम फिर से श्री सिटी में इंटर हो चुके हैं और अब हम घर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने तकरीबन शहर घूम लिया बाइक के ऊपर, आप लोगों को भी दिखा लिया यहाँ का माहौल, यहाँ की गाड़ियाँ। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीडी बाइक चलता है, चाइना सीधा चले चलो सीधे, हम सीधे जाएंगे अब यहाँ से, तो उस तरफ हम नहीं गए थे। और अभी नादरा के पास, ये नादरा चौक आ जाता है इसको, यहाँ पे ना हमारी जो आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे बनते हैं, ये छोटा सा स्टॉप है, ये देखें यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ पे भाई अपने हिंदू भाइयों की शॉप से, हरजी वालों की शॉप कहाँ पे, तो लड़के काम करते हैं पीछे रखे। यहाँ पे भाई 14 अगस्त की दमादम के साथ तैयारी चल रही है। बस फाइनली अभी हम कोटकुला मोहम्मद, जिसको हम जैनसाबाद भी बोलते हैं, कोटकुला मोहम्मद भी बोलते हैं, तो वो घूम के पूरा पूरा आ गया। तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की है, तो अभी मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ पे आया हुआ तो सोचा KGM की भी सैर आपको करा दूँ, तभी यहाँ से तो मैं निकलने की तैयारी कर ली, अभी रोड पे ही खड़ा हूँ। बहरहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।